साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने क्या कुछ नए नियम निकाले हैं, कोरोना की क्या अपडेट है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके, नए बंदे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सऊदी से रिलेटेड नई अपडेट जैसे डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं, सऊदी में कोरोना के क्या हालात हैं। तो भाई सऊदी के कोरोना में इंडिया जैसे ही हालात, इंडिया से ज़्यादा इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन तो 135 करोड़ है, लेकिन सऊदी की कितना है यार, तीसरा हिस्सा भी नहीं है। उसके बावजूद 5000 केस पॉजिटिव हो गए हैं सऊदी में, तो ये बड़ा माइनस पॉइंट मैं मान सकता हूँ। जिसमें से 800 के करीब केस रिकवर भी हो गए हैं, 65 डेथ अभी तक हो चुकी है, यानी 65 लोग अभी तक इस बीमारी से संक्रमित होकर मर चुके हैं। तो ये नेगेटिव कोरोना से रिलेटेड सऊदी की न्यूज़ है। तो साथियों सऊदी गवर्नमेंट ने भी अभी मतलब इतने कड़े फैसले लेने जा रही है, क्योंकि भाई कड़े फैसले नहीं लेगी तो ये सिस्टम तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता है गुणात्मक में, ये नहीं कि 5 से 10 हो जाते हैं, 5 से 50, 50 से सिर्फ 5000 से 50000 बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ से नियम बनाए हैं, अगर आप उस नियमों के तहत कुछ करना चाहते हैं तो आप इंडिया भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। साथियों देखिए, पहले गवर्नमेंट ने कुछ, देखिए मैं बता दूं, हर वीडियो में हर 2-4 दिन से नियम चेंज होते रहते हैं। अब आप बोलते हो सर आज तो आपने ये बताया, हमारे यहाँ तो ये है, भाई वो डेट की डिपेंड करता है। आज 13 अप्रैल से रिलेटेड, 14 अप्रैल से रिलेटेड मैं बात करूंगा। अभी के देखिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिए हैं। देखिए अगर आप कंपनी, मान लीजिए किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी आपको निकाल नहीं सकती, आपके पास वर्क परमिट वीजा है, लॉकडाउन चल रहा है, पूरा सिस्टम क्लोज है, तो आप वहां पे बैठे बैठे खाना पड़ेगा आपको, आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि मान लीजिए आप कंपनी में वहां रहना चाहते हैं, इंडिया नहीं आना चाहते, तो कंपनी आपको महीने में 10-12 दिन ही जॉब देगी, बाकी के 20 दिन आपको बैठ के खाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास काम ही नहीं है, तो कंपनी काम कहाँ से देगी आपको, सोचने की बात है। 10-12 दिन इसलिए कि भाई उसमें आपका खाना खर्चा निकल जाए, आप पे आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। मान लीजिए आप रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हो, तो अभी आपको 4 घंटे काम करना पड़ सकता है, 3 घंटे काम करना पड़ सकता है, महीने में 30 दिन काम करते थे, आपको 10-12 दिन ही काम करना पड़ेगा, इतना ही जॉब मिल पाएगा फिलहाल की कंडीशन में। एक तो ये कंडीशन, आप इसमें आप चाहो तो सऊदी में रह के पालन कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए दोनों तरफ से कंपनी भी राजी है, आप भी राजी हो कि भाई कंपनी आपको बोल दे यार चलो आपके पास एक काम करें, हमारे पास अभी काम तो है नहीं, आप अपने थोड़ा तो टाइम के लिए 2-4-6 महीने के लिए आप घर जाओ, यानी घर जाओ फिर वापस आ सकते हो। अगर आप दोनों तरफ से राजी हो, कंपनी निकाल नहीं रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, दोनों तरफ से आप राजी हो कि कंपनी भी राजी आप भी राजी, तो आप इंडिया आ सकते हो। सकता है कंपनी आपको 1-2 महीने की तनख्वाह दे दे, आपको टिकट भी दे सकती है, फिर आप इंडिया आ गए, 2-4 महीने बाद आप वापस, आपको कंपनी बुला लेगी, ये ऑप्शन है। ये तो दोनों तरफ से राजी होने पे होगा। तीसरा ऑप्शन साथियों ये है कि आप काम भी 10-12 दिन काम महीने में नहीं करना चाहते, या फिर आप ये सोचते हो कि यार कौन आएगा कौन जाएगा, आपको अगर नहीं जचता है, दोनों तरफ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, तो आप एग्जिट लेके घर आ सकते हो। एग्जिट का आपको पता ही है लंबा प्रोसेस होता है भाई, उसमें आप दोबारा उस कंपनी में नहीं जा सकते, तो ये भी प्रोसेस है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने फिलहाल ये ऑप्शन दे रखा है। अब बात है फ्लाइट, अगर इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे दे कि भाई ठीक है फ्लाइट हमारे यहाँ पे आप लैंड कर लीजिए, तो फ्लाइट सऊदी गवर्नमेंट तैयार है कि भाई जो वर्कर घर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से फ्लाइट का चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि उधर से फ्लाइट आ जाए, इंडिया में इजाज़त नहीं मिले फ्लाइट उतरने की, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही। इसका समाधान होने वाला है, जो बंदे फंसे हुए हैं उनको लैंड करवाना ही पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो। तो इस पर अभी विचार चल रहा है, 1-2 दिन में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ फैसला आएगा। मोदी जी ने गलत, जो पीएम शेख हैं उनसे बातचीत चल रही है, अभी देखते हैं उनका, क्योंकि अपने इंडिया के सबसे ज्यादा लोग गलत में, तो उनकी चिंता हमारी सरकार को होनी जरूरी है। जो फंसे हुए हैं मजबूरी है, जिनको आना है उनकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो वहां पे बैठे हैं जो नहीं आना चाहते वो भाई डटे रहे, क्योंकि ये तो 15-20 दिन या महीने भर की प्रॉब्लम है, फिर आराम से आप काम कर पाओगे। इंडिया आने के बाद क्या पता वापस कंपनी बुलाए नहीं बुलाए, या फिर आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, बहुत सारे नियम चेंज हो जाएं, गरीब बंदे हैं, माथे पे कर्जा होता है सर पे, मतलब बहुत बड़ी सोचने की बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो नहीं आना चाहते हैं वो वहीं रुकें, जिनको इमरजेंसी है, जो फंसे हुए हैं, वीज़ा एक्सपायर है, विजिट में गए थे, बिजनेस से रिलेटेड गए थे, जिनको घर पर आना ज़रूरी है, वापस वो सऊदी नहीं जाना चाहते, वो लोग आ सकते हैं। 1-2 दिन में कुछ ना कुछ हल होगा फ्लाइट्स का, गवर्नमेंट रेडी है, वहाँ से निकाल देगी आपको, लेकिन यहाँ इंडिया में आना भी ज़रूरी है। इस पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ से आने के बाद इंडिया में क्या होने वाला है, इससे अलग एक अलग से अपन टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे हिसाब से मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।